परमार्थ की पगडंडी, परमार्थ की कहानियां दिप्तेश के साथ। आज कथा महालया देवी पक्ष की। महालया एक संस्कृत शब्द है जिसमें महा का अर्थ होता है महान और आलया का अर्थ है निवास। महालया अमावस्या, दुर्गा पूजा या शारदीय नवरात्र की शुरुआत को दर्शाता है। दुर्गा पूजा हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। महालया से ही शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो जाती है। महालया अमावस्या की काली रात को माँ दुर्गा की आराधना और पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि वो धरती पर आएं और अपने भक्तों को आशीर्वाद दें। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ दुर्गा धरती पर आकर आसुरी शक्तियों से अपने बच्चों की रक्षा करती है। ये देवी पक्ष की शुरुआत के साथ पितृपक्ष का अंत भी माना जाता है। महालया को सर्वपित्र अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है। महालया अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान कर पूर्वजों का तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध कर उनकी विदाई की जाती है। महालया अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको दान दक्षिणा दी जाती है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। महालया अमावस्या के दिन पितरों का दूध, तिल, कुशा, पुष्प मिश्रित जल से तर्पण करें। पूर्वजों के निमित्त उनकी पसंद का भोजन बनाकर कौवे, गाय, कुत्तों आदि को खिलाया जाता है। अमावस्या पर उन पितरों का तर्पण करना चाहिए जिनकी मृत्यु तिथि की जानकारी ना हो। सर्वपित्र अमावस्या पर पितरों का श्राद्ध कर्म करने के साथ उन्हें विधिवत तरीके से विदाई दी जाती है। इस दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण करने से उस कर्म से मुक्ति मिल जाती है जो पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त करने से रोक रहा है। इस दिन अपने सभी पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए। जिन पितरों के निधन की तिथि याद नहीं होती तो सर्वपित्र अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध किया जाता है। इस दिन शाम के समय माँ दुर्गा अपनी योगिनियों और श्री गणेश, कार्तिकेय के साथ धरती पर अवतरित होती है। महालया के दिन माँ दुर्गा का सच्चे मन से आह्वान किया जाता है। महालया यानी देवी का महान निवास। मान्यता है कि भक्तों की पुकार पर वे यानी कि माँ दुर्गा इस दिन कैलाश पर्वत से यात्रा कर पृथ्वी वासियों के बीच रहने के लिए आती है अपने परिवार के संग। देवी दुर्गा के आवाहन और उनके धरती पर आगमन को ही महालया कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन राक्षसों के राजा अत्याचारी महिषासुर का संहार करने के लिए भगवान ब्रह्मा, भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री महेश ने माँ दुर्गा के रूप को जीवित किया था। महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई भी देवता या कोई साधारण मनुष्य नहीं मार सकता। इस घमंड में कि वो अब अमर बन गया है, महिषासुर ने अत्याचार करना शुरू किया जो कि देखते ही देखते चरम सीमा पर पहुंच गया। महिषासुर ने लगातार देवताओं पर आक्रमण किया और अत्याचार का ये सिलसिला निरंतर चलता रहा। देवताओं को युद्ध में हराकर महिषासुर ने देवलोक पर आधिपत्य जमा लिया। इस बीच देवताओं ने भगवान विष्णु के सामने सहायता की गुहार लगाई और आदिशक्ति की आराधना की। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा के सृजन के साथ उन्हें एक एक हथियार भेंट की। माँ दुर्गा स्वरूप धारण करने के साथ ही महिषासुर और आदिशक्ति देवी दुर्गा के बीच 9 दिनों तक घमासान युद्ध चला। इस भीषण युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने 10वें दिन महिषासुर का वध कर दिया। माँ दुर्गा के धरती पर आने के दिन को महालया के रूप में मनाया जाता है।